वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज हम बात करते हैं लर्निंग अधिगम के फोर्थ पार्ट पर। इससे पहले तीन पार्ट कर चुके हैं जिसमें अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, और लास्ट थ्री पार्ट में अपने बात की थी 61 क्वेश्चनों तक। तो आज स्टार्ट करते हैं 62 क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 62 स्टूडेंट, तो देखते हैं कौन सा है। कहता है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये कोटेशन है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है। कहता है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर, जब भी उत्तरोत्तर वर्ड आए स्टूडेंट, उत्तरोत्तर वर्ड आए, वो दिया है हमारे स्किनर ने। किसने दिया है? स्किनर ने। जब भी अधिगम की डेफिनेशन में कोई भी उत्तरोत्तर वर्ड आए तो वो दिया है किसने? स्किनर ने। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है, यह कोटेशन किसकी है? वो है स्किनर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 63 की। कहता है कि बालक प्रारंभ में सीखता है, कहता है कि बालक शुरू शुरू में जब सीखता है तो कैसा सीखता है? प्रयास और त्रुटि द्वारा, परीक्षण द्वारा, सूझ द्वारा, या उपयुक्त सभी द्वारा। अब मेरे को पता है कि सूझ द्वारा तो वो कभी सीख नहीं सकता, क्योंकि जब बालक में छोटा होता है उसमें इतनी सूझ नहीं होती कि वो सूझ द्वारा सीख ले, तो ये ऑप्शन तो कट गया। इट मीन्स उपयुक्त सभी वाला क्वेश्चन भी कट गया। अब बालक प्रारंभ में सीखता है प्रयास व त्रुटि द्वारा, ट्राई व एरर, इट मीन्स थोर्नडाइक के नियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रिंसिपल है। कहता है कि दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करते हुए सीखना, कहता है कि दूसरों के बिहेवियर को देखकर सीखना, ये कौन सा अधिगम कहलाता है? जैसे अपने बात करते हैं अपने किसी भी एक्टर का, अपने यदि उसका बिहेवियर देखते हैं फिल्म में तो उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, या कोई भी लड़की किसी एक्ट्रेस को देखती है तो उसको फॉलो करना स्टार्ट करती है। ये कौन थे? ये थे बंडूरा। कौन थे? बंडूरा, जिनका एक सामाजिक अधिगम सिद्धांत था जिसे प्रेक्षण मूलक सिद्धांत भी कहते हैं, प्रोजेक्शन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बंडूरा ने 3 फिल्म दिखाई थी। ठीक है, और इन फिल्मों के माध्यम से उसने बच्चों को सिखाया था कि क्या क्या बच्चा समाज में रहकर सीखता है। ठीक है, 3 मॉडल प्रस्तुत किए थे। आइए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि अधिगम पुनर्बलन सिद्धांत की अवधारणा प्रारंभ की, तो मैंने आपको बताया था पुनर्बलन प्रारंभ किसने किया था? वो किया था स्किनर ने। लेकिन पुनर्बलन सिद्धांत स्पेशली वो किसने दिया था? वो क्लार्क हल ने दिया। यहाँ दे रखा है अधिगम पुनर्बलन सिद्धांत की अवधारणा, इट मीन्स सबसे पहले स्टार्ट किसने की, कौन थे वह व्यक्ति? तो वो थे स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि उद्दीपक सिद्धांत कहा जाता है, उद्दीपक सिद्धांत कहा जाता है, तो वो कौन सा है? अपने को पता है स्किनर के सिद्धांत को RS थ्योरी कहा जाता है, अनुक्रिया उद्दीपक, और इसके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। अनुकूलित इसका कोई नाम नहीं था। अब बच कौन गया? चिने सिद्धांत, टोलमैन। तो उद्दीपक सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहा जाता है? टोलमैन, जो चिने सिद्धांत दिया था टोलमैन ने, उनके सिद्धांत को कहा जाता है। इसके कुछ और भी नाम है, तो आइए देखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टोलमैन के चिने अधिगम के कुछ अन्य नाम है जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला है अव्यक्त अधिगम, इसके सिद्धांत को कहते हैं। फिर प्रतीकात्मक, वो भी इसके सिद्धांत के नाम है, अन्य नाम ज्ञान का मानचित्र, इस नाम से 2-3 बार क्वेश्चन पुट किया गया ज्ञान के नाम मानचित्र से। सह प्रयोजन व्यवहार, मूर्त अधिगम का सिद्धांत, और एक है संभावना का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम से भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, और इस नाम से भी। तो टोलमैन चिने के, जो टोलमैन ने अपना चिने सिद्धांत दिया था, उसके ये उपनाम है, एक संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और ज्ञान का मानचित्र सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी टोलमैन ने दिया था, ये चिने सिद्धांत का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? कहता है कि स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, अपने को पता है कि स्किनर ने सिद्धांत कौन सा दिया था? क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, में प्रयोग के द्वारा एक क्लिक की आवाज़ होने पर यदि क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन के तौर पर एक भोजन की गोली प्रक्रिया या टिकिया दी जाती है तो इसमें क्लिक क्या कहलाता है? मान लो ये एक डब्बा था जिसके अंदर एक कबूतर बैठा था, ठीक है,
वो कबूतर भूखा था तो पहले वो क्या करता है, अनुक्रिया करता है, इट मीन्स पहले रिएक्शन करता है, फिर वो उसको उद्दीपक मिलता है। तो यहाँ क्या था, यहाँ एक चाबी थी या कुछ कह सकते हैं क्लिक था, जिस पर कबूतर बार बार चोंच मार रहा था, और यहाँ पे चोंच लगती है उसकी, तो चोंच लगने पर ऊपर से गोली आती है, ऊपर से गोली आती है, तो पहली बार उसे भोजन मिलता है। तो ये क्या था, प्राथमिक पुनर्बलन था। क्या था, प्राथमिक पुनर्बलन था। कहता है कि स्किन्नर द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत में प्रयोग के द्वारा एक क्लिक की आवाज़ होने पर यदि क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन के तौर पर एक भोजन की गोली या टिकिया दी जाती है तो इसे क्लिक कहलाती है, तो वो प्राथमिक पुनर्बलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं 68 क्वेश्चन। कहता है कि स्किन्नर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन, अब मैंने आपको स्किन्नर के उपनाम बताए थे जिसमें क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का एक उपनाम भी क्या था, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। या पहली इसके वीडियो में देख चुके हैं जिसमें मैंने स्किन्नर के, पावलोव के, थॉर्नडाइक के उपनाम बताए थे, कम से कम 8-8 उपनाम बताए थे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि स्किन्नर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। कहता है अनुक्रिया पुरस्कार के पहले होती है, अपने को पता है कि इसने कौन सा सिद्धांत दिया था, इसने सिद्धांत दिया था RS थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस, इट मीन्स पहले कौन सी होगी, अनुक्रिया होगी, बाद में उद्दीपक मिलेगा, तो पहली क्या लाइन देते हैं कि अनुक्रिया पुरस्कार से पहले होती है, इट मीन्स ये लाइन बिल्कुल सही है। अब ये लाइन जिसमें है वो हमारा आंसर हो सकता है, तो फोर्थ में ये लाइन नहीं है, इट मीन्स ये पहले ही कट चुका है फोर्थ आंसर, तो क्योंकि इसमें एक तो है ही नहीं। फिर कहता है कि कोई खास उद्दीपक अनुक्रिया उत्पन्न नहीं करता, मतलब बार बार वो चोंच मार रहा है, मतलब कोई खास उद्दीपक अनुक्रिया उत्पन्न नहीं करता, ये भी बिल्कुल सही है। पहले का एक तटस्थ उद्दीपक अनुक्रिया का निर्णय करता है, पहले का तटस्थ उद्दीपक अनुक्रिया का निर्णय करता है, ये भी सही है। तो अपने आंसर कौन से हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, और अगले पुरस्कार पाने का व्यवहार सीखा हुआ है, ये थर्ड हमारा रॉन्ग है क्योंकि ये गलत है। कहता है कि पुरस्कार पहले का एक तटस्थ उद्दीपक अनुक्रिया का निर्णय करता है, ये गलत है कि पहले नहीं करता बाद में करता है वो, तो पुरस्कार पाने का व्यवहार सीखा हुआ है, ये हमारा सही है। तो पहला दूसरा और चौथा तो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार अपने को पता है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान वर्दीमर, कोफ्का और कोलर थे, निम्न आकृति का, कहता है कि निम्न, ये अपने पास आकृतियाँ दे रखी हैं XO और XO, निम्न आकृति का प्रत्यक्षीकरण दो इकाइयों के रूप में किस नियम के द्वारा या आधार पर होता है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्न आकृति का प्रत्यक्षीकरण दो इकाइयों के रूप में किस नियम के आधार पर होता है। तो अपने पास दे रखे हैं ये दो आकृतियाँ अपने पास XOX और XOX, एक तो समानता के नियम, एक विरोध का नियम, एक घिरा होने का नियम और एक समीपता। अब भाई साहब ये दो नियम तो यार गेस्टाल्टवादियों के पास लगते ही नहीं थे, ना तो समानता का नियम, समानता कहाँ लगती थी, एक नियम लगता था वो भी समीपता का नियम लगता था, और समीपता का नियम क्या था कि वह सभी वस्तुएं जो समय और स्थान में एक दूसरे के नज़दीक होती हैं, वे एक इकाई के रूप में संगठित हो जाती हैं, अतः उनका प्रत्यक्षीकरण एक समूह के रूप में किया जाता है। मतलब वह सभी वस्तुएं जो समय और स्थान में एक दूसरे के नज़दीक हो जाती हैं और वो एक इकाई के रूप में संगठित हो जाती हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण एक समूह के रूप में होता है, वो कौन सा था, समीपता का नियम। ये विरोध और घिरा होने का नियम तो गेस्टाल्टवादियों ने दिया नहीं था, और समानता का नियम तो बहुत दूर दूर तक था, और लगता समीपता का नियम है जिसमें वो सूज का इस्तेमाल करता है, समीप लाता है किसी चीज़ों को। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट 70 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां। क्या कहता है, कहता है कि जब अनुबंधित अनुक्रिया समाप्त हो जाती है और पुनः एक अंतराल के बाद प्रकट हो जाती है तो इस घटना को कहते हैं। कहता है कि पहले यहाँ समाप्त हो जाती है और कुछ देर बाद वही घटना दोबारा स्टार्ट हो जाती है, कौन सी, अनुबंधित अनुक्रिया, तो इसको क्या कहते हैं, स्वतः पुनर्लाभ। क्या कहते हैं, स्वतः पुनर्लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि समस्या संरचना का पुनर्संगठन और समस्या समाधान की
अनुक्रमिक अभिवृद्धि। तो देखिए, मैंने आपको कहा था गेस्टाल्ट जो समस्या का समाधान करता है वो तत्काल करता है। सूझ यकायक उत्पन्न होती है, ऐसे नहीं कि 10 घंटे बाद उत्पन्न होगी। समस्या को देखने साथ ही गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सूझ एकदम उत्पन्न होती है। तो ये क्या देखा है, समस्या समाधान में आसन, मतलब बिल्कुल तत्काल समस्या का मतलब निवारण हो जाना, वो है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। तो पहला इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी है पहले समस्या संरचना का पुनर्संगठन बनाएगा, वो तो बाद में बनाता है, पहले समस्या समाधान को देखता है कि सॉल्व कैसे करूँगा फटाफट, फिर वो संरचना बनाता है कि यहाँ यहाँ रख कैसे बनाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गेस्टाल्ट सिद्धांत के किस नियम को उत्तम आकृति का नियम कहते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत के किस नियम को उत्तम आकृति का नियम कहते हैं, तो ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है प्रेगनेंज का नियम, प्रेगनेंज का नियम, तो वो होता है गेस्टाल्ट सिद्धांत के उत्तम आकृति का नियम, प्रेगनेंजम प्रेगनेंस का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो वह है पहला, प्रत्यक्षिक संगठन स्वाभाविक है, प्रत्यक्षिक संगठन स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने, कहते हैं कि थोरनडाइक द्वारा प्रतिपादित CAVD में D का अर्थ क्या है। तो मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में 41 और 42 क्वेश्चन इसी पर समझाए थे, उसमें CAVD की फुल फॉर्म बताई थी। तो यहाँ D का होता है डायरेक्शन, क्या होता है डायरेक्शन, तो दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है कि आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है, आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है। तो ये तो फेमस सिद्धांत है, किसका, क्लार्क व हल का, बहुत अच्छे थिंक करते हैं, जिनके सिद्धांत की आज भी पूरे वर्ल्ड में चर्चा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया था, वो दिया था स्टूडेंट गूथरी ने दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने का प्रतिस्थापन सिद्धांत। तो ये स्मिपता लेके आए थे खरगोश और एक एडवर्ड बच्चे के मध्य, तो जो बच्चा खरगोश से एडवर्ड डरता था, उन्होंने धीरे धीरे समीप लाकर उसके डर को ख़त्म कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन के 4 वर्गों में नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नैमित्तिक अनुबंधन के 4 वर्गों में नहीं है, तो वो है स्टूडेंट प्रशंसा, पुरस्कार भी है, परिहार भी है और अकर्म भी है, तो प्रशंसा नहीं है नैमित्तिक अनुबंधन के 4 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है कि स्किनर का अनुबंधन कहलाता है, तो अपने को पता है कि स्किनर ने RS थ्योरी दी थी, तो उसका क्या कहलाएगा अनुबंधन, वो था टाइप R, क्या कहलाता है स्किनर का अनुबंधन कहलाता है टाइप R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाना किस प्रकार का सीखना है, साइकिल चलाना किस प्रकार का सीखना है, तो वो तो संवेदी पेशी है, कौन सा संवेदी पेशी है सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है कि ऑसगुड के अनुसार टोलमैन के अधिगम सिद्धांत में शामिल है, ऑसगुड के अनुसार टोलमैन के अधिगम सिद्धांत में शामिल है, तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि प्रेरणा भी इसमें शामिल है, सहचार्य भी इसमें शामिल है और संपोषण भी इसमें शामिल है, तो इट मीन्स उपयुक्त सभी इसके अंदर शामिल है, किसके अनुसार ऑसगुड के अनुसार टोलमैन के सिद्धांत में शामिल है, प्रेरणा सहचार्य और संप्रेषण। तो क्या करता है, एक इस तरह से भूलभुलैया बना लेता है, भूलभुलैया, और यहाँ चूहे को बिठा देता है और चूहे को करंट के द्वारा इस भूलभुलैया से गुजारता है, तो उसमें सब प्रकार की चीज़ों को सम्मिलित किया, प्रेरणा संपोषण और सहचार्य, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।